छतरपुर जिले में नगरीय निकायों में शासकीय कामकाज की बदहाल स्थिति है। इसका कारण है कि छतरपुर जिले के कई निकायों में सीएमओ की परमानेंट नियुक्ति नहीं हो पा रही है। एक एक सीएमओ को कई निकायों के प्रभार दिए गए हैं, जिसके कारण वे किसी नगर निकाय में पूरा समय नहीं दे पा रहे और आम जनता परेशान हो रही है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के चंद्रा नगर परिषद क्षेत्र की हैं, जहां नगर परिषद कार्यालय में सीएमओ न होने के कारण कई सरकारी कामकाज समय पर नहीं हो पा रहे हैं। शासन ने यहां पर सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी की पदस्थापना कर रखी है। मिथिलेश द्विवेदी के पास लवकुश नगर का चार्ज पहले से ही था और अब उन्हें बारीगढ़ की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। अब वे सप्ताह में एक या दो दिन ही चंदला आ पाते हैं, इसलिए जनता के काम के लिए जनता को परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय कर्मचारी भी बताते हैं कि ये समस्या काफी परेशानी भरी है और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सब इंजीनियर विपिन अग्निहोत्री ने क्या बताया वो सुनिए। निश्चित रूप से समस्या तो जाएगी इसमें और मैं सीएमओ सर से व्यक्तिगत बात करूंगा इस मैटर पे कि कैसे मैनेज करेंगे दो दिवस में तीन नगर पालिकाओं को, और भी कोई समस्या होगी तो वरिष्ठ अधिकारियों को साहब के माध्यम से ही निवेदन कर सकते हैं माननीय अनुभागीय अधिकारी जी से। इस मामले में उनके संज्ञान लेंगे, उनके संज्ञान में रखेंगे ये बात। समस्या तो जाएगी, देख बात करता हूँ मैं, निवेदन करूंगा साहब से कि ज़्यादा से ज़्यादा समय किस प्रकार से मैनेज करते हैं अपना टाइम। स्थानीय लोग सीएमओ के समय पर उपलब्ध न होने और सप्ताह भर दफ्तर न आने के कारण परेशान हैं। ये परेशानी स्थानीय विधायक तक भी पहुंचाई गई। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक राजेश प्रजापति ने कहा कि ये समस्या उनके संज्ञान में है और इसे दूर करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। इसको जानकारी मैंने उच्च अधिकारियों को भी दी है कि हमारे चंदला में और लौकुश नगर दोनों का वो चार्ज लिए हुए हैं मिथिलेश जी, और जल्दी से जल्दी हम लोग नया सीएमओ यहाँ पे पदस्थ करवाएंगे। लौकुश नगर में यदि पदस्थ हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे परमानेंट वो रहे आएंगे। यदि लौकुश नगर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी दूसरा चंदला के लिए सीएमओ ले आएंगे। और मैं बड़े वरिष्ठ अधिकारी से अभी भी बात करूँगा, कलेक्टर साहब से, कि यहाँ पे तीन दिन वो बैठे, परमानेंट बैठे, जिससे हमारी जो सरकार की मंशा है उस मंशा को पूर्ण किया जा सके कि लोगों के काम हो सके। जनता के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं, जनता के काम के लिए बैठे हुए हैं, जनता के टैक्स से हम लोगों को वेतन मिल रहा है, तो भाई जब हम जनता के लिए हैं तो जनता का काम करने में बचे क्यों, हम लोग पीछे क्यों हटे। हम जनता का काम करने के लिए हैं तो हमें तीन दिन यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तीन दिन वहाँ का प्रभार है उनका, तो तीन दिन वहाँ बैठे, तीन दिन यहाँ बैठे, एक दिन अपना आराम करें, एक दिन छुट्टी का समय। वही चीज मैं आपसे कहा, मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और ये इस तरह की अवहेलना यदि की जा रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको चेंज किया जाएगा। अपन दूसरा सीएमओ लेकर के आएंगे और अपने जहाँ पे उनको रहना हो वहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है।